हेलो गाइस, वी आर बैक विद पार्ट टू ऑफ दी एसे द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज गिवन बाय क्लीन्स ब्रूक्स। स्टार्ट करते हैं इसके 6 पॉइंट्स से। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई हैव गिवन द लिंक हियर, आपको दिख जाएगा ऊपर कार्ड, जिसमें आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा। अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो डू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन दिस पार्ट। फोर सो 6 पॉइंट इज फॉर्म एंड एस्थेटिक इम्पैक्ट। अब ये बोलते हैं, द फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री इंक्लूडिंग राइम, मीटर एंड स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट। मैंने किस किस पैराग्राफ्स में कैसे कैसे नंबर ऑफ वर्ड यूज की है, क्या रिदम यूज की है, क्या स्ट्रक्चर है मेरे पोम का, इन सब चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे रीडर पे कि वो कैसे हमारे पोम को स्टडी कर रहा है। और ये अगर मैं लिख दूं पैराफ्रेज करके तो इसका राइम, मीटर, स्ट्रक्चर कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे आप। और पोइट्री के फॉर्मल एस्पेक्ट्स ही, जो उसका इमोशनल इम्पैक्ट है, सब खत्म। ट्रांसलेशन में वो फील आएगी ही नहीं जो ओरिजिनल में थी। जैसे ओरिजिनल गानों में जो फील थी वो अभी आज के रीमेक्स में है ही नहीं। मूविंग टू 7th पॉइंट, एंगेजमेंट ऑफ द रीडर। द रीडर्स एंगेजमेंट विद द पोम, इट साउंड्स, इमेजेस एंड इमोशंस इज इंटीग्रल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग इट्स फुल मीनिंग, गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ पैराफ्रेज। जो रीडर है वो पोम की हर चीज को स्टडी करता है कि वो सुनने में कैसी लग रही है, क्या इमेजरी क्रिएट हो रही है, आपको कैसा इमोशन, क्या फील हो रहा है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों से एक पोम को उसका मीनिंग, उसका महत्व मिलता है। पर ये चीज पैराफ्रेज में आपको नहीं दिखती, उसका ये एस्पेक्ट भी लॉस्ट हो जाता है। इनएफेबिलिटी ऑफ पोएट्री, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशंस आर इनएफेबल। इनएफेबल मतलब क्या हो गया कि हम उसको लिटरली एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सेम वैसे हम उसको व्यक्त कर ही नहीं सकते। ये पैराफ्रेज की लिमिटेशन है क्योंकि उसका जो सेम इमोशन है वो कन्वे नहीं हो पाता। इनएफेबिलिटी है ये, उसकी ऐसी चीज है जो हम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एप्रिसिएशन वर्सेस सिंप्लीफिकेशन, ब्रूक्स एनकरेज अ फोकस ऑन एप्रिशिएटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग पोएट्री रादर देन अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस इट टू सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। ब्रूक्स ये कहते हैं कि पोएट्री को जैसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वैसे ही पढ़ना बेस्ट है। उसको सिंपल करके पढ़ोगे तो पोएट्री लिखने का मतलब ही क्या बना, फिर तो पोएट खुद ही बता देता सिंपल टर्म्स में, खुद ही सिंपल आपको लिख के टेक्स्ट दे देता। पोएट्री लिखी ही इसलिए गई है कि पोएट्री को पोएट्री की तरीके से पढ़ा जाए, जैसे उसका स्ट्रक्चर है उसको वैसे ही पढ़ा जाए। क्योंकि पोएट्री का एसेंस है वो, मैं हम आपको पैराफ्रेज में उनकी समरीज जो आप पढ़ते हो हमेशा, उसमें वो एस्पेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट, इनविटेशन टू डीप एंगेजमेंट। अल्टीमेटली ब्रूक्स एसे इनवाइट्स रीडर्स टू एंगेज विद पोएट्री ऑन अ डीपर, मोर एक्सपीरियंशियल लेवल, एडवोकेटिंग फॉर एन एप्रिसिएशन दैट ट्रांसेंड्स द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ पैराफ्रेज एंड लिटरल ट्रांसलेशन। अगर मैं इसकी पैराफ्रेज ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ तो पढ़ने में इजी होगा, है ना, फटाफट पढ़ के काम खत्म, बस ओवर। पर अगर हम पढ़ते हैं पोएट्री तो उसको मैं बहुत ज्यादा मन, दिमाग सब लगा के पढ़ूंगी एकदम, कि मुझे इसका मतलब समझना है तो अलग अलग चीजों से हेल्प लूंगी, अलग अलग बुक्स से हेल्प लूंगी कि अच्छा दूसरे पोइट्स ने कैसे लिखा था, इन्होंने कैसे लिखा है। तो पोइट्री से आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, डीप एंगेजमेंट मिलती है। सो दैट्स एंड ऑफ आर वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव गाइज। थैंक यू। कॉमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू वॉन्ट वीडियो फॉर सम अदर सब्जेक्ट, सम अदर टॉपिक, सम अदर एसे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज, बाय।